नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को मेरा। तो आज हम कर रहे हैं लाइव क्लास, और लाइव क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से लाइव आकर जुट जाइए, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या हैं ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में, चाहे कोई से भी हमारा एग्ज़ाम हो, लेखपाल, कॉन्स्टेबल, पीसीएस या जितने भी हमारे टीचर एलिजिबिलिटी से एग्ज़ाम हैं, सभी कंपटीशन क्लास के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए, कितने क्या रही आपकी तैयारी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका। तो जुड़िएगा जल्दी से लाइव क्लास में, जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टडी विद प्रियंका। तो जल्दी से जुड़िए, क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, आपको मैंने ये लास्ट अपनी क्लास में करवाया था, जिसमें आपके सारे के सारे मैंने नृत्य बताए थे, शास्त्रीय नृत्य के बारे में और लोक नृत्य के बारे में। तो हम कर रहे हैं एमसीक्यू को सॉल्व। तो बताइएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन है आपके सामने बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर बताएंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो बताइएगा यहाँ पर जो आंसर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, डी, बताइए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए कथकली कहाँ का है। आपने पढ़ा होगा, बताइए। तो कथकली आप याद रखिएगा कहाँ का हो जाएगा कथकली, बताइए। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, बताइए। हमारा जो कथकली हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, ठीक है। तो केरल की तरफ हमारा आंसर लॉक कर दिया जाता है। तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए आपको सभी के सभी मैंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कराए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको सफलता मिले। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, एक मिनट, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसी, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। याद रखिएगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो कठपुतली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा जो किस राज्य से संबंध रखता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कठपुतली, सभी जानते हैं बहुत ही फेमस नृत्य है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा राजस्थान। आप राजस्थान जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर आपको इन तरह लोक नृत्य की काफ़ी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है हमारा कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा यहाँ आपका, आप बताइएगा। ऑप्शन ऑप्शन हैं आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब।
अच्छी बात है कि आप जितने भी पढ़ें उसका MCQs भी आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको पता भी चले कि आपकी तैयारी क्या है, किस तरीके से है। तो बताइए, हमारा ऑप्शन है आपके सामने घूमर, छऊ, यक्षगान या जद्दा। बताइए ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और समय समाप्ति की ओर जा रहा है, हमारा जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है हमारा कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है हमारा यक्षगान। तो बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको याद होगा कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर जो आपका समय शुरू हो गया है वो हो गया है अब। ठीक है, तो बिहू राज्य किस का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समय की सीमा आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो ऑप्शन ए है हमारा तमिलनाडु, बी है बिहार, सी है असम, ऑप्शन डी है हमारा उत्तराखंड। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिहू जिस राज्य से संबंधित है लोक नृत्य, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो समय शुरू हो गया है आपका पहले से ही। पंजाब का जो लोक नृत्य है वो तो सभी जानते हैं, कहाँ का हो जाएगा वो, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो आसान क्वेश्चन को गलत करके नहीं आना। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल था इसलिए बता दिया आपको, बट डोंट वरी, कोई जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी आप ध्यान से टिक कीजिएगा अपने अपने एग्जामों में। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। घंटा मर्दाल प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो बताइए ये कहाँ का हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको नाम बदल कर भी दे दिए जाते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया था, जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें जितने नामों से लोक नृत्य जाने जाते हैं अपने अपने राज्यों में, वो सभी मैंने कवर कराए हैं। तो यहाँ पर समय की सीमा समाप्त हो गई है, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, सभी जानते हैं गरबा जिस राज्य से संबंधित है, बहुत ही फेमस है ये तो सभी जानते हैं, फिर भी कई बार हम एग्जामों में कंफ्यूज जाते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़िएगा महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या झारखंड। गरबा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात से क्या हो जाएगा, हमारा लोक नृत्य संबंधित है, यानी गुजरात में लोग गरबा करते हैं, बहुत ही अच्छा नृत्य है ये। अब हम जानेंगे छऊ, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपका समय शुरू होता है अब, तो बताइए आपके सामने हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो बताइए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सभी लोक नृत्य आपको, आप जो भी टॉपिक पढ़िए आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तुरंत दिमाग में हमारा आंसर आए कि हाँ इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि क्या हो जाएगा, छऊ जिस राज्य से संबंधित है वो हो जाएगा हमारा झारखंड, जो कि मैंने बताया है आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो छऊ जिस राज्य से संबंधित है वो है हमारा झारखंड। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन,
कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि आपको मैचिंग करने के लिए भी हैं। तो डोंट वरी, आपका समय शुरू में बाद में ही करूँगी जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, लेकिन आपको वहाँ इस तरीके से टाइम नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें से कौन सा युग्म सम्मेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। कई बार आपको इस तरीके से मैचिंग करने को भी मिल जाता है, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो जिस राज्य से संबंधित हैं, ये सारे मैचिंग करने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा राज्य किस राज्य से संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावणी हमारा है महाराष्ट्र का, ठीक है। याद रखिएगा, लावणी जो हमारा लोक नृत्य है वो है हमारा महाराष्ट्र का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताइए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर या ए, बी या सी या डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो है किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है सितार, सरोद, तबला या वीणा। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, बहुत ही फेमस हैं ये किशन महाराज जी। तो ये जो वाद्य यंत्र संबंधित रखते हैं वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सी या डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही तबला, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन भी है आपके सामने, और मुझे बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, समय की सीमा समाप्त होने को और है, तो ऑप्शन या तो ए या बी या सी या डी। बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समय समाप्त की ओर, लो सो समय समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहनाई से ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी हमारे वाद्यन से संबंधित हैं, यानी कि सहनाई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइएगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या पंजाब, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और अभ्यारण्य वाली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारे के सारे अभ्यारण्य आपको एक साथ एक वीडियो में कराए हैं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपके काम आएगी। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा हरियाणा। कोई बात नहीं, अगर आपको सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य याद नहीं होता तो आपको इतना तो याद होगा, सुल्तान नाम की मूवी आई थी, ठीक है। तो उसमें सलमान खान जी कहाँ से बने थे, कहाँ से रेट थे, वो भी थे हमारे हरियाणा से, ठीक है।
अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपका समय शुरू होता है अब, तो बताइएगा। ऑप्शन आप पढ़िएगा। ऑप्शन है आपके सामने पेरियार, मानस, गिर या जिम कॉर्बेट। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम जिसके साथ जाने वाले हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी पेरियर। पेरियर में क्या होता है और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये पेरियर अभयारण्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहें तो अभयारण्य वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध हमारा अभयारण्य पेरियर वो कहाँ पर है। अगला है हमारा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सॉरी बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो बताइए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सारे के सारे एक साथ मैंने अभ्यारण कराए हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं वो तो हमारे दिमाग में रहते हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, इसीलिए अभ्यारण वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और मैं कहूँगी आप एक जगह आप उसको नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। भारत के प्रसिद्ध सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका समय शुरू होता है अब, ऑप्शन आपके सामने हैं तो ऑप्शन पढ़िएगा। गढ़ी महोदया चल दी हैं तो आप मुझे बताइएगा, गढ़ी महोदया के शांत होने तक आप मुझे बताइएगा ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलोढ़ मिट्टी से क्या है भारत की सर्वाधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने और आप मुझे बताइएगा। तो ऑप्शन ए बांगर या कल्लर या खादर या रेगुड़, बताइएगा। यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको कई बार नामों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं। मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी एक होती है नई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, खादर, ठीक है। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपका समय शुरू होता है अब। गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन है आपके सामने ए खादर, बी बांगर या सीरे या पाट, बताइए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा या तो ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है, ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांगर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी या लाल या पर्वतीय या काली मिट्टी, तो बताइए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा या तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी, आप मुझे बताइएगा।
यहाँ पर समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेगुण नाम है, किसका नाम है, किस मिट्टी का नाम है और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए रेगुण जो है वो हम किस मिट्टी को नाम से जानते हैं, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने ए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रेगुण मिट्टी को भी हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाल मिट्टी या काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, बताइए किस मिट्टी के लिए कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपको इनको याद रखना है, आप चाहें तो नोट कर लिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, और आपका समय शुरू कर देती हूँ मैं अब। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने और समय आपका शुरू हो चुका है, ऑप्शन ए नर्मदा, चंबल, कृष्णा या कावेरी। तो बताइए ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अपनी, जितनी अच्छे आप अटैम्प्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और एमसीक्यू क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। और ऐसे ही अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन आप पढ़िएगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, और बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो समय समाप्त की ओर फटाक से मुझे बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अलमाटी जो बांध है किस नदी पर बना है, अगर आप बांध के लिए भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। बताइए लोनार झील जो है किस राज्य में है, या क्लोनार झील किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी डी सी या ए, बताइए यहाँ पर जो आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, समय समाप्त होने वाला है, समाप्त हो गया, तो हमारा हो जाएगा लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा और समय शुरू होता है आपका अब, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील की मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, उस झील का आपको नाम बताना है, डल, पुष्कर, वुलर या लोकटक झील, बताइएगा। तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है, हम जानते हुए भी क्या करते हैं एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत कर आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वूलर। ठीक है, अगला है हमारा टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम है।
तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं और समय शुरू होता है आपका अब। ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी राम सागर, सी लक्ष्मण सागर या डी स्वामी राम तीर्थ सागर। बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो टिहरी बांध जो परियोजना थी उस वो थी, जलाशय का नाम बताना है आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा। समय समाप्त हो गया है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय से। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब और बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए लूनार, नर्मदा, चंबल, लूनी या साबरमती, बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सरदार सरोवर परियोजना की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बंगाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है आपके सामने झेलम, रावी, चिनाब या ताप्ती, बताइए। ऑप्शन आप बहुत सही से पढ़िएगा ताकि आपके सवाल जो हैं गलत ना हो। आप ऐसी प्रैक्टिस करती रहिएगा, आपके जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी आपके अपने परीक्षा में। समय समाप्त हो गया और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब। ठीक है, अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। और समय शुरू होता है आपका अब, जो कि ये मैं बता चुकी थी, इसका मैंने बता दिया था आपको, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी को पता है फिर भी ये एग्ज़ाम हमर आता है। तो यहाँ पर बताइएगा ऑप्शन हमारा जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33%। तो आई होप आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका, ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।